अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू फाजी भाई, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग एंड वेलकम न्यू ब्यूटीफुल डे। तो भाई, जैसा कि आपको बताया था कि आज हमने जाना है जरा गाँव। आज दो छुट्टियां आ गई हैं, तो कल, वैसे तो कल निकलना था, तो कल हम नहीं निकल सके, तो आज निकलने लगे हैं। और अभी करते हैं नाश्ता वगैरह, और पहले चेंज कर लेते हैं, कपड़े शपड़े को पहन लेते हैं। कल आपके सामने ट्रैक सूट लेके आए थे, तो मैं सोच रहा हूँ वही पहन लेते हैं यार, क्योंकि आजकल मौसम ज़रा सर्दी का है, तो मुझे वैसे भी ट्रैक सूट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ट्रैक सूट पहन लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं भाई। आज फिर हम जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वही ट्रैक सूट ही पहन लेते हैं भाई। क्या बात, तो गाइज आपने देख लिया, ट्रैक सूट हमने पहन लिया है, तो अभी हम नाश्ता नुश्ता करते हैं, नाश्ता हमारा रेडी हो गया है, तो उसके बाद निकलते हैं। हाँ जी गाइज, नाश्ता आ गया आपके भाई का, अभी नाश्ता करके फिर तो निकलते हैं आराम से। नाश्ता भाई आपके भाई का लेवल का होता है नाश्ता, यही है अमीर लोगों वाला नाश्ता होता है आपके भाई का। कम ऑन, अखीर भाई नाश्ता हमने कर लिया, तो अब हम जूता वगैरह पहन लेते हैं। जूता भाई, मैं कहता हूँ कोई नया जूता पहन लेते हैं यार। गैस जूता हमारा नया आ गया, मुझे लगता है शाइन का। हाय 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 हाय, क्या शूज है, कितना प्यारा शूज है यार, लेवल है इस शूज के भाई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओ यार छोटी, इतना बड़ा पाँव है, छोटी छोटी जुराबे हैं यार, क्या करें यार, पाँव बड़े ही होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ओए ओए ओए, क्या लेवल है यार शूज का, क्या कंफर्टेबल लग रहा है गाइस। हम पहन लेते हैं दूसरा भाई। भाई यार ये सोड़ा है यार, सोड़ा है। हाय हाय, क्या लेवल कर दिया भाई आपके भाई ने। चलो गाइस अब हम निकलते हैं, लेट्स गो। हाँ जी गाइस, तो बस स्टेशन पर हम आ गए हैं और हमारी बस भी उम्मीद है आ गई है, आप देख रहे हैं बसें बहुत ज्यादा आ रही हैं। वैसे अभी अभी ना मुझे भाई की कॉल भी आ गई है, तो वो भी शायद उधर आ रहा है, वो भी पहुंच रहा है 2 मिनट में। उम्मीद है हमारी बस भी आ रही है, हम बैठते हैं बस में और निकलते हैं। बल्लू मोटर लाना है, बल्लू मोटर गलत जगह से लाया, बल्लू आई पी रेबड़ी चुकवा दिया, दो बच्चे मस्त रह जो सिंबो ने चने के बैगन छोड़ना सीधा पे जाया बोले भाई आधा किलो किलो वाले बच्चे आ चुके हैं, बाकी तो सिंबो ने नहीं बोले भाई। इस गज का सफर जबरदस्त है। हाँ जी गाइस, तो फाइनली हम आ गए हैं अपने गांव। ये एक छोटा सा स्टाफ है जहाँ पे मैं उतरा हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने भाई की शॉप पे। हाँ जी गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं और शायद भाई तक
बिल्कुल भी, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा शर्म आती है वीडियो बनाते हुए। ये सिर्फ अपने कपड़ों की ऐसे घुमा फिरा के ना डाल देते हैं। तो अभी हम आपने ये रास्ता देख लिया होगा, रास्ता देख के आप पहचान गए होंगे कि हम पहुंच गए अपनी मंजिल। अभी आगे घर जा रहे हैं, जैसे जैसे जो चीजें सामने आएंगी फिर आपको दिखाएंगे। ये अजान सुन रहे हैं आप, वो अजान की आवाज आ रही होगी, वो सामने मस्जिद है, ये मेरे दादा वो अजान दे रहे हैं, अभी नमाज पढ़ रहे हैं। आगे कितनी चीजें आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का, क्या कैसे सारी चीजें। भाई माहौल चेक करें, ये आपके भाई का घर है, ये देखें कबाड़ बना पड़ा है, ये आपका भाई है, यार ये शायद भाई है, ये देखो ये अब शर्मा आ रहे हैं। ये हमारे बचपन के भाई हैं, बचपन हमने इकट्ठे ही गुजारा, मतलब कि एक दूसरे को। और ये ट्यूबवेल है जहाँ पे हम नहाया करते थे, और अब इसका हशर नशर हुआ पड़ा है। एपीटर कहना शायद ओ तो थोड़े रहा नहीं ते ए रात नु कोई चोरी शोरी नहीं करेंदा सही। अभी यार हम वीडियो शीडियो बना रहे हैं, शायद भाई शर्माते हैं कैमरे के सामने आते हुए ना। तो गाइस कैसा माहौल था यार, क्या लाइफ थी ये। हाँ ये देखो ये थी जहाँ पे हम नहाते थे, अब ये छोटा हो गया, पहले बड़ा लगता था हमें, अब ये छोटा हो गया। देखो पहले तो हमारे लिए ऐसे था भाई ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल हो जैसे, और अब देखो पता नहीं हम बड़े हो गए हैं या ये छोटा हो गया। खैर जो भी है भाई चेक करे, फील द नेचुरल साउंड, भाई ये आप देखें कि यहाँ पे सब्जी वगैरह लगी हुई है, ठीक है, मतलब कि जो घर की सब्जी यूज़ होती है वो हम यहाँ पे मतलब अपनी ये लोग यहाँ पे उगा लिया करते हैं, और नेचुरल चीज़ें सारी फ्रेश चीज़ें यूज़ करते हैं ये अपने घर के इस्तेमाल के लिए। कैसे फूल हैं ये, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ये शायद भाई हैं, ये मेरी अब पिक्चर बना रहे हैं, और अब उम्मीद है आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा इसे। तस्वीरें बना रहे हैं मेरी, दिखाओ है ये बंदा से चलाऊं। आय हाय हाय हाय, लेवल कर दिया भाई आपने जबरदस्त। गाइस हम अपनी ये ट्यूबवेल पर आ चुके हैं, ट्यूबवेल का अलग ही मजा होता है, ये देखो। ये अभी जब हम थे तो तब तो ये नहीं बनी थी, ये हमारे यहाँ से जाने के बाद बनी है, लेकिन बड़ा मज़ेदार सीन होता है यार जब ट्यूबवेल चलती है और सारे इकट्ठे होके नहाते हैं। इसका जो कुआं है ये देखो, पता नहीं इसे हम अपनी जबान में तो डल कहते हैं, डल, अब इसको पता नहीं वैसे क्या कहते हैं, वो मुझे भी नहीं पता। और ये इसका इंजन लगा हुआ है, हमारी जबान में इसे पीटर कहते हैं। ये अभी मैं गिर गया था तो साफ करने लगा इसे, हाय 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 कैसा हो गया। ये अभी अभी नया लेके आए हूँ, अभी अभी, और ये पॉलिश हो गया मुझे लगता है। यार ये एक वीडियो थी, शायद भाई ने टिकटॉक की बनाई थी, तो मैंने सोचा इसको भी व्लॉग के अंदर ऐड कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है मैं उसे थोड़ा कम कर दूंगा ताकि कॉपीराइट ना आए। हाँ जी गाइस, तो भाई हम अब जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, हमारे साथ हैं मकबूल भाई। मकबूल भाई इशारा करना ज़रा। जी जी, तो
ये हमारे बचपन के दोस्त हैं यार, बहुत ही अच्छे भाई हैं। अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, वहाँ पे फातिहा वगैरह पढ़ते हैं क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और अभी हम जा रहे हैं खाले पे, इसे हमारे जबान में कहते हैं पग्गू। कभी हाँ ये बात ही सही है, कभी इसमें भी नहाते थे यार। ये देखो ये इतनी सी जगह है, इसमें भी हम नहा लेते थे। वो शलवार में बलून बना के, ऐसे बड़ी सारी बना के शलवार को यहाँ से बैठना, और वो हो गए शू। गाइस ये है हमारी आखिरी आराम का। मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन हम यकीन नहीं रखते। मेरा ख्याल अगर यकीन रखते होते तो हमारी आई ये सिचुएशन ना होती। बहरहाल भाई अल्लाह पाक ये जो है इनकी कब्रें ठंडी फरमाए और इनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हमने भी एक दिन आना है इधर ही, तो अभी फातिहा वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद मिलते हैं। हाँ जी गाइस, तो कब्रिस्तान हमने हो लिया था और भी काफ़ी काम शाम थे, एक दो ज़रा दोस्तों यारों को मिलना था, वो मिल लिया। अभी आप देख रहे हैं कि फुल अंधेरा है यहाँ पे। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख के बहुत अरसा दराज बाद। मुझे वैसे भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कल आपको यहाँ कुछ ऐसी जगह भी दिखाऊँगा जहाँ पर मैंने अपना घर बनाना है। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जिसने अभी तक फाजी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाए। तो अब रात यही है, देखते हैं अगर कोई और अच्छा सीन होता है तो उसको कैप्चर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओका बाय।